ऐ सुन रही तो तेरे काम ले तो जा रहा हूँ, मगर मेरी कोई इज्जत तो हत ना है एक रुपया की। ऐ 1000 रुपया पेट्रोल खर्च करके ले जा रहा हूँ, 500 रुपया लौटे तो मैं तेरे बाप मेरे को दे ना। ए तुम पे का कमी है, तुम मेरे बाप के 500-1000 पे तुम पे का फर्क पड़ जा रहे हो। तुम्हें उन्होंने अपनी छोरी दे दी, ये का कम है तुम्हारा हमेशा यही रोनो रहो। एक तो यार मैं कूलर पंखा में रह भी आदत है, तेरे काम में है ना लाइट आवत ना है, बिजली कब चली जावत है, रात भर बच्चा खाते। बड़ी जीजी के जीजा जी हथ गए हमारे, एक एक हफ्ता रह जावत है, एक कम से कम एक रात तो रुक जाइयो। देख जिदमत कर जाइयो, रात में रुकेगी मैं देखूंगो, अगर गर्मी भई तो मैं लौट आऊंगा भैया, वो बिना रुक जाओ रात में। चलो तुम्हारी मर्जी है, मगर है ना वो नाराज मत भैया, गुस्सा मत भैया, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा मत दिखाइयो कि तुम गुस्सा ही रहे हो। देख रही रात में रुकेगी, जिद करे तो कूलर भरवा लियो पानी, और कूलर मेरे माँ होना चाहिए पूरा, है ना, ऐसा ना हो कि मैं सब भाई खाट सबसे आखिरी में हो, कूलर लग रहा हो सबसे पहले, अब तेरा वो जीजा के सामने ले जा रही है मुझको चूल्हे की रोटी के कड़कवाए हुए। अब जा रहा हूँ, रक्षाबंधन ना होता तो मैं बिल्कुल ना ले जाता, तो मत जा चाहे तू। देखो देखो अब नाराज मत हो, काम आवे बार हो, बिल्कुल सही है जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चेहरा पे थे है ना गुस्सा हटा ले, मेरे बाप पे बहुत फर्क पड़ता है जब मैंने बात साहब। काम पहुँचने में कोई परेशानी तो ना रही रास्ते में, सीधे आए गए? अरे आ तो सीधा हुआ, वो जीटी रोड से उतर के 5 किलोमीटर दूर है गाँव तुम्हारा, और अब तो रास्ते में पूरी धूल ही धूल है रही है, धूल में अटका हूँ बिल्कुल, बहुत परेशान हूँ, मुश्किल से आ पाया हूँ। देखो जी गाँव में थोड़ी बहुत तो परेशानी हते ही, तो तुम्हारा शहर तो हतना है, अब त्योहार पे ही आ पाते हो तुम, रक्षाबंधन पे भैया दोज पे वैसे तो तुम्हारा पे टाइम हतना है। हाँ जी काम धंधे इतने हैं कि अब का करें, भैंस डंगर हैं खेत हैं, अब शाम को सानी को काम काउ पे देके आया हूँ, पोहिन को खानो बानो चरी वरी सब कोई और काटे हो पड़ोसी। रेखा की माँ तुम बैठी कहो, चलो चूल्हे वूल्हे पे इंतजाम करो, शाम को खानो बानो बनाओ, चाय वाय बनवाओ, तैयार करो। ना माता जी शाम को तो रहने दो, शाम को ना रुक पाऊंगा, रेखा से बोल के लाओ मैं कि आज बस राखी बांध लियो और सीधे निकल पड़ेंगे, रात को ना रुक पाऊंगा जी मैं। कुंवर साहब एक साल बाद आए हो, ऐसे ना करो है, एक रात तो रुको, सुबह की होन चली जाइयो, सुबह तैयार करा देंगे रेखा है, 6 बजे निकल जाइयो। कुंवर साहब सुबह जल्दी निकल जाइयो, इतने दिन बाद तो आए हो, एक रात तो रुक जान दो रेखा है हमारे पास, हमारी बेटी है, हमें कैसे कैसे हमारी छाती पटत है। देखो माता जी बेटी से पूछ लो, मैं तुम्हारी इतने घर कह के निकलो कि शाम को लौटना है, अब यहाँ दो बात ना होनी चाहिए मेरे सामने, मैं तुम जानते हो बहुत गुस्सा आ रहा हूँ, यहीं छोड़ जाऊंगा जाए समझ लियो तुम, है तुम ही धल लियो फिर। कुंवर साहब तुम्हारी ये गुस्सा ही आदत आज तक ना रही, शादी वाले दिन थे तुम अब तक गुस्सा हो, है या छोड़ो गुस्सा तो जाते उम्र कम होता तुम्हारी। देखो पापा जी छोड़ के मत दिखाओ, ब्याह पे मुझे गुस्सा फालतू में नहीं है, तुमने 50 इंच को टीवी बोल के 32 इंच को दे दो है, तुमने 2 टन को एसी बोल के 1 टन को एसी दे दो, गुस्सा ना आवे है, तुमने बुलेट दे के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दे दी, गुस्सा ना आवे। तुम कह रहे हो कि गुस्सा तुम्हें अब तक ना गई, तुम्हारी कर्म ठीक ना है पापा जी, मैं तो आ जाता हूँ, शर्म लाजते बनना जगह में मन ना करता आवे को। कुंवर साहब तुम इतने दिन बाद आए हो है, तुम अब नाराज ना हो, ऐसे कैसे नाराज है रहे हो, ए तुम तो बिल्कुल ना बदले लल्लू, ऐसे के ऐसे ही हो। ए जी यहाँ तुमसे बोल रही थी मैं, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, विनती करी कि नाराज मत ही हो मेरे घर पे, अरे तुम तो ऐसे ही, तुम तो फिर से ऐसे ही है गए जैसे तुम हते। तुम्हारी इज्जत कर करके हम परेशान है गए, तुमने छोरी आज रक्षाबंधन वाले दिन उरुला दी, तुम बिल्कुल ना सुधरे कुंवर साहब। चल चल रेखा राखी बांध, सीधे अपने भैया है और सीधे निकल, अब मैं ना रुकूंगा, मेरी हमेशा ऐसी बेइज्जती कराई तेने जगह में, चल यहाँ से। बेटी तू तैयार हो जा, जा अब तू चली जा, कलेश ना करो, चलो कुंवर साहब मैं भेज रही हूँ, जाए राखी बांध लें दे बस, अब तुम तो तुम्हें कहा तुम ना सुधरो, बेटी तू चल, मैं अब अपनी छाती पत्थर धल लूंगी। रेखा की मम्मी तूने रज्जन को फोन नहीं किया, जल्दी आए राखी बंधवाए, कुंवर साहब वैसे ही गुस्से में लाल पी लहर है, जल्दी बुलावाए फोन कर। मैंने तो तभी फोन कर दो वो 1 घंटा पहले, क्या रहो रास्ते में हो भाई, आ रहा हूँ। जीजा जी पैर लागू, राम राम। क्या हो गया, क्यों रो रही है बहन, क्या परेशानी है, क्यों रो रही है? अरे रज्जन वही बात है, वही कुंवर साहब आके कलेश कर रहे हैं, वही दान दहेज की बात, वही मेरी तेरी बहन को परेशान कर रहे हैं,
और कह रहे आज ही जाना है, आज ही जाना है, हंगामा मचा के रखा हुआ है। आराम के जाने जीजा, तो पहले ही कही मेरी बहन है, परेशान मत करियो, सारे आज तेरी छाती पे पैर रख के चीरूंगो, तो ऊपर तो पटक के ही मार दूंगा सास पे। भैया भैया तुम्हें मैं कैसे, मैंने छोड़ दे इन्हें, मत मारो भैया। अरे जाकर खून पी जाऊंगा हराम के जने को। बेटा तेरे जीजा है, अरे कैसे हुए तेरे जीजा है, मत मार। रज्जन अपने गुस्से को कंट्रोल कर बेटे, अरे मर जाएगा, तेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। साले साहब इस बार माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी बहन को कभी परेशान नहीं करूंगा, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन को कभी परेशान नहीं करूंगा। ए रेखा बचा ले, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा तुझे। देख मेरा जीजा तू बाद में, मेरी बहन पहले है ये। अगर तूने आज के बाद इसे कोई भी परेशानी दी, तूने इसके साथ कोई बदतमीजी की, तेरी छाती चीर दूंगा माँ के जने। मादर चुप, आज के बाद सीधे रहियो, बिल्कुल परेशान मत करियो मेरी बहन को, निकल यहाँ से। चल रेखा चल यहाँ से, चल अब चल रहे, मैं परेशान नहीं करूंगा, मुझे बचा ले, अब चल यहाँ से चल। कुंवर साहब परेशान मत हो, तुम तो जानते हो ये हराम जा तो आधी जिंदगी जाके जेल में कटी है, ऐसा कछु ना करेगा हमारे रहे तो ऐसे कछु बुरो ना होएगा। तुम रोटी सब्जी खा के जाइयो, खाना तैयार है, ऐसे मत जाओ दरवाजे पे, तो भूखे मत लौटो। मम्मी जी मुझे अब जाने दो, अब मेरे को रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। चल रेखा चल, अब हम चल रहे हैं, चल मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तू अपने भैया से बस बोल दे, मैं परेशान नहीं करूंगा, अब चलो। इस प्रकार एक हरामी दामाद, एक हरामी जीजा अपने रास्ते पर आ गया और अपनी अकड़ को भूल गया, और उसके बाद उसने कभी भी अपनी पत्नी रेखा को परेशान नहीं किया। आज की स्टोरी में इतना ही। हमारा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और हमें उत्साह दें ऐसी ही नई स्टोरी लाने का। धन्यवाद।